नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। आज चर्चा करेंगे क्यूरियस बिट पब्लिकेशन की N1 की, जिसका आ चुका है हिंदी संस्करण मेरे पास कॉमिक्स अड्डा से। ये काफ़ी थिक बुक है, इसके 4 भाग पहले इंग्लिश में पब्लिश हो चुके हैं कॉमिक कॉन में। बाकी हिंदी का ट्रांसलेशन कैसा है ये तो कॉमिक्स पढ़ के ही हम जान पाएंगे, लेकिन पहले प्रोडक्ट पे एक नज़र ज़रूर मार लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट के रिव्यू को और देखते हैं कैसी है ये किताब। काफ़ी थिक बुक है और मल्होत्रा, कैंट्रेज, वर्दी, वीरती, आहूजा, तो ये मेरे ख्याल से ये नाम है जो आर्टिस्ट हैं। ये देखिए स्पाइन, क्यूरियस बिट पब्लिकेशन, N1 हिंदी, तो हिंदी में ये इसे पब्लिश किया गया है। प्राइस जो है 999 रुपये है। चारों किताब हैं इसमें जो प्रकाशित हो चुकी हैं, तो क्या बात है, 999। आप इसमें 10% माइनस कर सकते हैं। और कवर काफ़ी अच्छा है, इसे पिकाडो और शेरावत जी, क्या बात है, यहाँ पे 2 आर्टिस्टों के नाम हैं। अंदर कुछ फ्रीबीज भी दिख रहे हैं मेरे को। थोड़ी सी कॉमिक बुक लेट हो गई प्रकाशित होके आने में, है ना, लेकिन दिल्ली के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, आप सभी जानते हैं बारिश में क्या हाल थे। स्कैन मी, यहाँ पे एक है बहुत प्यारा सा बुक मार्क, साथ में है एक अनोखा सा स्टीकर, कैरेक्टर स्टीकर होगा ये मेरे ख्याल से। और ये देखिए इंक्ड वर्जन सॉर्ट ऑफ दिया है पेगाडो का, छोटा सा पोस्टर, और ये पोस्टर तो कॉमिक कॉन में भी मिल रहा था N1, क्या बात है, शानदार है, शानदार काम है, बहुत ही बढ़िया। क्यूरियस बिट पब्लिकेशन, मज़ा आ गया देख के। चलिए बात करते हैं बुक की। कॉमिक्स अड्डा से आया ये पार्सल और वरुण मल्होत्रा इनसे मुलाकात हुई थी, और एडिटिंग अभिलेख रविराज आहूजा, जेरेट केट्स हैं पेंसिलिंग्स कलर्स, विरदी एंड हिंदी अनुवाद में रवि आहूजा और हेम कौशिक मल्होत्रा, और प्रकाशक हैं क्यूरियस बिट। और यहाँ पे N1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। पिनअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉमिक्स बनाना एक टीम वर्क है, बिल्कुल बिल्कुल एक टीम वर्क है, और क्या बात है यार, देख के अच्छा लगा, ट्रीटमेंट काफ़ी अलग। और यहाँ से वर्ष 2050, मतलब कॉमिक्स सीधे शुरू हो रही है। पेजेस पतले हैं आपके, और प्रिंट मैट ग्लॉसी वाला है, बहुत ही अच्छा है प्रिंट। मिशन से 30 मिनट पहले हथियार तैयार रखो, हम 5 मिनट में निकलेंगे। तो ये जैसे थोड़ा बहुत मुझे पढ़ के लग रहा है कि अनुवाद अच्छा हुआ है, क्या बात है यार, इंडियन कॉमिक्स बुक इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आ रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम बड़े पब्लिकेशन, ये नए पब्लिकेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप, क्या बात है यार, बहुत ही शानदार। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, हमें टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो बड़ा उत्साहित हूँ अभी से पढ़ने के लिए, मैं वेट ही कर रहा था कि इनका हिंदी एडिशन कब आएगा। इन्होंने बताया था कि इस साल आने वाला है, और आते आते 6 महीने लग गए, लेकिन क्या बात है, ऐतिहासिक अभिलेख। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत सारा तड़का लगा है माइथोलॉजी, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन का, और अगर आप ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो क्यूरियस बिट की N1 आपके लिए एक बहुत अच्छी कॉमिक बुक, या ग्राफिक नॉवेल आप इसे कह सकते हैं, ग्राफिक नॉवेल फॉर्मेट में ही है, साबित होगी, है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है मित्रों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन अनबॉक्सिंग में, किसी अन पब्लिकेशन के कॉमिक्स के साथ। अब विदा लेता हूँ आपसे, नमस्कार, धन्यवाद, कॉमिक्स बाइट।